क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर छुप गया? क्या उसने कहा मेरी जान को खतरा है? उनको उनकी लाइफ को रिस्क है, उनको स्ट्रोक का बहुत बड़ा रिस्क है, उनको हार्ट अटैक का रिस्क है। मैं बाहर ताजा हवा में निकलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो वो भी घबरा गए। क्या उसने कहा मैं बीमार हूँ? नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी संगीन बीमारी है जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्योरा कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि उनको पहले दो हार्ट अटैक हुए, ये तीसरा हार्ट अटैक हुआ। क्या उसने कहा कि मैं 70 साल का हूँ? और आज एक शख्स जो 70 साल की उम्र में है, 2 बाईपास हो चुके हैं, 7 स्टंट हैं, फर्स्ट स्टेज है किडनीज की भी, ब्लड सप्लाई ब्रेन को देती है, वो 60-70% जो है वो ब्लॉक्ड है। मगर 2000 प्लेटलेट काउंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हो गया है। उस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो थे वो तकरीबन 16,000 पे आ चुके थे। नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट तकरीबन 10,000 से नीचे गिर गए, लेकिन रात को उनके प्लेटलेट जो थे वो 6,000 के ऊपर थे। जो प्लेटलेट काउंट है वो ड्रॉप कर, कल 28% और कल 22 हो गया। उन्होंने कहा कि मियां साहब के लिए जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें अभी हमने 80% जो है उसकी जो सिवियरिटी है डिजीज की उसको कम करके बताया है।